हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विशेवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज। और गाइस, आज एक न्यू वीडियो आएगा मेरे न्यू वाले चैनल पे, सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, क्या निकल कर आता है। उस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ दो एनर्जीज आई हैं, पहली एनर्जी आई है एस ऑफ कप्स की, ठीक है ना, और दूसरी एनर्जी आई है गाइस बैलेंस की, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है, पहली एनर्जी एस ऑफ कप्स की है, दूसरी बैलेंस की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पर्सन की जो एनर्जीज आपको लेकर है वो है बैलेंस, ठीक है, और दूसरी एनर्जी है ये अनकंडीशनल लव, ठीक है। दोनों ही आपके पर्सन बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं आपको लेकर, बैलेंस भी और अनकंडीशनल लव भी, ठीक है। आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं आप में से काफी सारे लोग, क्योंकि मैं ये रीडिंग 3-4 दिन से कर रही हूँ और आज भी बैलेंस और हार्मनी की एनर्जी आई है यहाँ पे। मतलब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, आप लोगों के जो पर्सन है वो आपसे अपनी एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स एक्चुअली जो उनके मन में है, ठीक है। अभी तक वो जो अपने दिमाग से आपको सुना रहे थे, ठीक है, जो भी दिमाग से वो कर रहे थे आपके साथ की अपनी फीलिंग्स को, रियल फीलिंग्स को वो ना बताना और आपको भ्रमित करना या फिर आपको कंफ्यूजन में डालना, आप इस पर्सन की रियल फीलिंग्स आप इनसे सुनने वाले हैं। ये आपको एक्चुअल बताएंगे कि आपके आपके साथ क्या फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आज में आपको ये बताया हो, ठीक है, आज के दिन में स्ट्रांगली ये भी एनर्जी है। आप अपने पर्सन से ये भी सुनेंगे आज के दिन में कि इन्होंने कौन से प्रेशर में आकर आपके साथ ये किया था, बिकॉज आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ प्रेशर में आकर आपके साथ दूरी बनाई थी, या फिर आपको कोई स्ट्रांग यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रांग बात इन्होंने नहीं बताई थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया था और क्यों खत्म कर रहे हैं या क्यों बात करना बंद कर रहे हैं, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डेफिनेटली आप इस पर्सन से लेने वाले हैं, आपको ये आंसर्स इस पर्सन से मिलने वाले हैं, कुछ लोगों को आज के दिन में मिले हो सकते हैं, ठीक है। प्रेशर की एनर्जी है, ये आपको ये बताएंगे कि कौन से प्रेशर में आकर इन्होंने आपके साथ ये चीज की है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी नाराजगी इस पर्सन के लिए खत्म करेंगे क्या, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी है, मतलब आप अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे उदास इंसान नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि क्या आप इनकी बात बिना नाराजगी के सुनेंगे। इस पर्सन का मैसेज ये आ रहा है कि क्या बिना नाराजगी के आप इस पर्सन की बात सुनेंगे, या फिर
आप अपनी नाराजगी को क्या छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी है, मतलब इनका ये था गाइस कि अगर आपको ये अपनी पूरी सिचुएशन बताते हैं, अपना प्रेशर बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो क्या आप अपनी नाराजगी को छोड़ सकते हैं, ऐसी भी यहां पर एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे ना, बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ में आने से पहले तक ये पर्सन बहुत ज्यादा खुले मिजाज के इंसान थे, ठीक है। और अभी जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, जब आपको ये अपनी बातें बताएंगे ना, तो आपको ये लगेगा इस पर्सन के अंदर कि ये जब मुझे फर्स्ट टाइम ये इंसान मुझे मिला था या मिली थी, तब ये कैसा था, और अभी ये जो इंसान मुझे मिल रहा है तब ये कैसा है। मतलब आपकी पर्सन की जो बातचीत है ना, उसमें भी आप बहुत बड़ा एक अंतर देखेंगे कि इनकी बातचीत में काफी अंतर आपको नजर आएगा। मतलब अगर ये पहले बहुत ज्यादा आपसे जो बातें करते थे वो बहुत ज्यादा कम करते थे और कंफ्यूजन वाली करते थे, तो आप ये देखेंगे कि पर्सन आपसे ज्यादा बातें कर रहे हो, क्लैरिटी वाली कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर देखने वाले हैं अपने पर्सन के अंदर, क्योंकि ये भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में कि ये काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव आपके सामने होंगे अब, ठीक है। हो सकता है अभी भी आज के दिन में भी काफी सारे लोगों को उन्होंने काफी कुछ एक्सप्रेस कर दिया हो, ठीक है। ये चीज यहां पर नजर आ रही है। यहाँ पर ये पर्सन आश्विन में ये भी सोच रहे थे कि इनको जो सुकून चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। मतलब इनको जो सुकून चाहिए अपनी जिंदगी में, जो राहत चाहिए, जो आराम चाहिए, ठीक है, ये आपके साथ इस पर्सन को फील होता है। तो ये आज के दिन में आपके साथ ये भी सोच रहे थे, ठीक है। इस पर्सन के मन में आपको लेकर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई नफरत नहीं है। इस पर्सन के मन में सिर्फ एक ही चीज है कि आपका आपकी जो आपका जो रिएक्शन है वो इस पर्सन के प्रति क्या होगा जब ये आपको अपनी सारी बातें बताएंगे, या फिर हो सकता है आज के दिन में बताई हो, तो आपका क्या रिएक्शन इस पर्सन के प्रति होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर काफी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं उन्होंने डेफिनेटली उनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है, ठीक है। तो कुछ लोग के पार्टनर्स जो होते हैं वो दूर जाने के बाद जब माहौल देखते हैं तो वो बदल जाते हैं, ठीक है। उनको जो ईश्वर की जो तकलीफ, ईश्वर जो उन्हें तकलीफ देते हैं उनसे वो बदल जाते हैं और वो बदल के वापस आते हैं, लेकिन उस वक्त उनको ये लगता है कि क्या सामने वाला इंसान मुझे माफ कर देगा, क्या वो मेरे लिए अभी भी इंतजार कर रहा होगा, ये उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जो भी इंसान वापस आता है उसके मन में सबसे पहला डर ये होता है कि माफी मिलेगी या नहीं, ठीक है। ये आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी में नजर आता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना अपना पेन देख लिया होता है तो वो ग्राउंडेड होते हैं, तो वो अपनी बात तो आपसे डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे, बाकी रिजल्ट्स को आपके हाथ में छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ लोगों ने यहाँ मैसेज किया कि उनके पार्टनर ने उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात की, और पहले कुछ भी नहीं बताते थे, उन्होंने अपने दिल खोल कर सारी बातें बोली हैं उनसे, ठीक है। तो आपके पर्सन चेंज होते हैं, ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स पे, खुद पर, और खुद पर काम करते हैं, हीलिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो ये भी सोच रहे हैं कि ये आपसे इस चीज के लिए भी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आपका लॉन्ग टर्म पे क्या क्या आपका
मत है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे। ये परसों भी एनर्जी निकल कर आई थी कि ये फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। ओहो, ब्रेक हो गया यहाँ पर। मतलब फैमिली के बारे में, पूरी की पूरी फैमिली को लेकर इस पर्सन के मन में सवाल चल रहा है कि लॉन्ग टर्म पे अगर ये पर्सन आपसे कहें तो आपका क्या जवाब होने वाला है, मतलब आपका क्या आंसर होगा अगर ये पर्सन आपसे लॉन्ग टर्म की पूछते हैं, ठीक है। ये एनर्जी भी यहाँ पर, दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस, वो ये है कि आपका जो बिहेवियर है आपके पर्सन को काफी पहले से चेंज नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों की कभी भी फुल नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं हुई है, मतलब आपकी कांटेक्ट होती रहती है, बीच बीच में कांटेक्ट सिचुएशन रही है आपके कनेक्शन में। जितने भी समय का ये बुरा टाइम चल रहा था आपके कनेक्शन में, जितने भी समय ये प्रॉब्लम चली, उस समय में आपकी बात ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी तरीके से बंद हुई हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट बना रहा हमेशा ही, ठीक है। एक आध महीने में, एक आध हफ्ते में, या फिर 2 हफ्ते में, इस तरीके से आपकी बात हमेशा होती रही है इस पर्सन से। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी बहुत हद तक चेंज हो गए हैं, ठीक है। चेंज की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से भी मिल रही है और आपकी तरफ से भी मिल रही है, मतलब ये अपने आप खुद तो चेंज हुए हैं, इनको चेंजेस आपके अंदर भी नजर आए हैं। ये पर्सन आज के दिन में आपको लेकर ये भी सोच रहे थे कि इन्होंने आपको दुख में धक्का मारा है, ठीक है ना। मतलब इस पर्सन ने आपको दुखी दुखी किया है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये पर्सन ये चीज जानते हैं कि इन्होंने अपनी जो भी हरकतें की हैं उस चीज की वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, इसलिए भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि माफी, माफी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है, मतलब माफी नहीं मिलेगी, ठीक है, या माफ नहीं कर सकते आप, या फिर आपको माफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर आप समझेंगे, इस तरीके के सवाल आपके पर्सन के मन में दिखाई देते हैं। कुछ लोग के पार्टनर यहाँ पर उनके पास वापस आना चाहते हैं और आ भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि आपका क्या रिएक्शन होने वाला है, ठीक है ना। कुछ लोग के पार्टनर इस चीज के डर में भी हैं कि आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको रियलाइज हुआ है तो वो अपना एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पार्टनर आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे, जो भी ये जैसे कोई फ्लावर ऑफर कर रहा हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे जो भी इनके मन में है, ठीक है। बाकी फाइनल डिसीजन क्या लेना है ये आपके ऊपर ही होने वाला है। यहाँ पर एस लेटर बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। कार्ड से देखती हूँ और क्या आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है, हाई पीसेस। ओके, तो एनर्जीज देख लीजिए आप किस तरीके से एनर्जी आई है आज के दिन में आपके पर्सन की, ठीक है। इस पर्सन को जब भी आपकी याद आती है ना तो ये भी आपकी तरह रोते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन जो है आपका, इसमें ये एनर्जी निकल कर आई है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि मैं रातों में रोया हूं या रोई हूं, तो आपका पर्सन भी रोया है, ठीक है। और यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो सफरिंग है यहाँ पर। अगर आपके पास सफरिंग है, आप फाइनेंशियली सफर करते हैं, या आप बहुत ही मेंटली सफर करते हैं, बहुत आपको कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, तो ये पर्सन भी सफर करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है इस पर्सन के मन में है कि ये बैलेंस हो जाए, कैसे भी करके ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी इस पर्सन ने किया है वो डेफिनेटली कोई प्रेशर में किया हो सकता है, ऐसा यहाँ मैसेज आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन जब भी मैं ऑन करती हूँ तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। और कन्फ्यूजन किस बात का है कि वो अपने पर्सन के बिहेवियर से परेशान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग इस तरीके की सिचुएशन में हैं और उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो सबसे पहले अपने पर्सन से क्लैरिटी मांगना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, सबसे पहली चीज़। और दूसरा, सबसे पहले आप अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में लेके जाइए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी तक। उसके बाद आप यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग कीजिए ताकि आपको इंट्यूशंस अच्छे होने हो जाएं आपके। तीसरा, यहाँ पर ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूजन में हैं, तो आपका कंट्रोल किसी और पर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका कंट्रोल आपके खुद के ऊपर है। उसके बाद आप अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग कीजिए मेडिटेशन करके, ठीक है। एंड उसके बाद आप ये देखिए कि आप इस पर्सन के साथ अगर कनेक्शन में आना चाहते हैं तो उसका कारण क्या है, ठीक है। पास्ट में ऐसा क्या हुआ है कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आना आपकी कोई मजबूरी है या आपकी कोई खुशी है, ठीक है। जब आप ये सवाल खुद के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान के साथ रहना आपकी मजबूरी है या आपकी खुशी है। अगर आपकी खुशी है तो आप इस कनेक्शन को हील कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर से आप इस पर्सन के साथ सोल कनेक्ट करके इस पर्सन के साथ कनेक्शन को हील कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ रहना आपकी मजबूरी है और इसने आपको बहुत टॉर्चर किया है और आप बिल्कुल नहीं रहना चाहते, तो आप यूनिवर्स से होपोनोपोनो प्रेयर यूनिवर्स से कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा प्रे कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में उन सारे लोगों को हटा दे जो आपको सफरिंग देते हैं, और ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजे जो आपको खुशी देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। आप कंफ्यूजन में क्यों जाते हैं, लाइफ आपकी है, ठीक है, कोई और नहीं चलाएगा, आप खुद चलाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, और फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है झगड़ों को, लड़ाई झगड़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को जो आपके बीच में हुई है। और कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी क्रिएट होती है तो इंसान इसको वैल्यू नहीं करता है, वो देखता है जो दो चार बातें जो आपस में बोल दी गई हैं, लेकिन कनेक्शन वहां कहीं ना कहीं खो जाता है। यहाँ पर देखिए लड़ाई झगड़े हुए हैं, बट यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यानी कि ऐसा नहीं था कि यहाँ पर लव नहीं था, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स भी नजर आया, यानी आपके पर्सन के मन में बहुत सारे इमोशंस हैं आपको लेकर, ठीक है, और ये एक्सप्रेस किए हो सकते हैं आज के दिन में आपके पर्सन ने, ठीक है, कि मेरे मन में क्या है, ठीक है, और मैंने किस किस मजबूरी में या किस बोझ के तले ये एक डिसीजन जो लिया कि मैं चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, ठीक है। लाइफ के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो जिस चीज को देख लेते हैं उसको पाना चाहते हैं तो वो किसी भी हद तक जाते हैं, जिद करते हैं, एक वो जिनके सामने चैलेंजेस आते हैं वो भाग जाते हैं, कुछ कुछ फेस करने के डर से भाग जाते हैं, ठीक है। जो भाग जाते हैं वो आगे जाकर फेस करते हैं, ठीक है। सिचुएशन प्रॉब्लम तो साथ साथ चलती है, वो पीछा नहीं छोड़ती। आप इस मोड़ पर अगर भाग जाएंगे तो वो आगे आकर खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा जम जाते हैं, अड़ जाते हैं, वो उसी वक्त सॉल्व कर लेते हैं, जो नहीं उस वक्त अड़ पाते हैं वो आगे जाकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम जब इतने इमोशंस हैं तो उसी समय इसने कनेक्शन को क्यों नहीं बचाया, तब क्यों भाग गया, ठीक है। वो इसीलिए भाग गया क्योंकि उस वक्त तो उसकी एनर्जी नहीं थी फेस करने लायक, ठीक है। लेकिन फिर आगे चलकर उसको जब सफरिंग मिलती है तो फिर बाद में जाकर उसे फेस करना पड़ता है, फेस तो करना ही पड़ेगा। अगर सिचुएशन बनी है, प्रॉब्लम बनी है, तो आप उससे भाग नहीं सकते हो, ये कटु सत्य है, ठीक है। तो आपको उस चीज के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है कि ठीक है, जो भी चीजें होंगी उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा या करूंगी, और मैं अपनी लाइफ का हर एरिया को बैलेंस कैसे करूंगा, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इसके लिए आप इंट्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, इंट्यूशंस में और विजडम में देखते हैं कहीं ना कहीं, ये चीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। यहाँ पर जीरो है, ठीक है, फाइव है, 5050, यहाँ पर 503 एंड 2, ऑल्सो 6,
सी लेटर है, बी लेटर है, ई लेटर है, जे लेटर है, डब्ल्यू लेटर है एंड टी लेटर है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर अल्फाबेट्स निकल कर आए हैं, सी बी ई जे डब्ल्यू टी 50326। यहाँ पर मुझे ये पहले टर्टल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये मुझे मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। मतलब यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं जब भी ये कछुआ आया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये मुझे एनर्जी देता है कि बहुत स्लो है आपका पार्टनर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्लो, एक्शन लेने में स्लो हो सकता है, डिसीजन लेने में स्लो हो सकता है, या फिर कोई बात की क्लैरिटी देने में स्लो हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो चार्म आया है वो है, यहाँ पर ये मुझे एक ट्री नजर आ रहा है, कोकोनट ट्री मुझे नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली जो आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो ऐसा मुझे नजर आता है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को सख्त दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड दिखाते हैं अपने आप को, बट कहीं ना कहीं इमोशंस है इस पर्सन के अंदर, मतलब अंदर से ये पर्सन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड दिखाते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं अंदर से, ये मैसेज मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर एक रोज है जो एक दिल के अंदर है, ठीक है, एक रोज है जो दिल के अंदर है। सो ये मैसेज दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर उनके दिल में आप हो एंड उन्होंने कोई रोज आपको ऑफर किया हो सकता है जो आज भी उन्होंने किसी बुक में या फिर कहीं संभाल कर रखा है, ठीक है, आपने दिया हो सकता है इस पर्सन को या फिर इन्होंने आपको दिया हो सकता है जो आपने बहुत संभाल कर रखा हो, ऐसी कोई मेमोरी। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी है, ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी है, ऊर्जा है, सन की ऊर्जा है। सो काफी ये पर्सन यू नो मुझे ऑप्टिमिस्टिक नजर आते हैं, बहुत ही ज्यादा मुझे नजर आता है इस पर्सन के अंदर की यस स्ट्रेंथ है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, जस्ट उसको जगाने की जरूरत है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंसान नजर आते हैं मुझे। समटाइम्स ये नेगेटिव होते हैं जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ठीक है, अदरवाइज तो ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में नजर आते हैं। यहां पर मुझे यहां पर ये मुझे बहुत ही क्यूट सा रैबिट नजर आ रहा है, ठीक है, और रैबिट रैबिट मुझे बात करते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट, आप अपने पर्सन को बहुत ही सॉफ्ट लगते हो, ठीक है, बहुत ही आपका जो हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है। Also, यहां पर ये जो मैसेज मिल रहा है कहीं ना कहीं ये मुझे मैसेज दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी ओल्ड स्किन को छोड़कर एक न्यू एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अगेन ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि कुछ पुराना छोड़ देना और अपनी लाइफ में नए को इनवाइट करना, मतलब जो भी पुराना था, जो भी सोचने का तरीका, जो भी जिन चीजों से डर लगता था, उन सारी चीजों को रिलीज करके यू नो एक न्यू एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना। अगेन यहां पर की निकल कर आई है, चाबी, ठीक है, यहां पर की निकल कर आई है। सो मुझे एक मैसेज दे रही है की हमेशा मुझे मैसेज देती है कि आप इस पर्सन के लिए खुशियों का खुशियों का खजाना हो, ठीक है ना, इस पर्सन को ऐसा ही आपके साथ फील होता है कि खुशियां आपके पास है इस पर्सन की, और इनकी खुशियों की चाबी आपके पास है, ठीक है ना, वो ताला अगर ये खोल लेते हैं तो इस पर्सन को बहुत खुशियां मिलेंगी। नेक्स्ट वी हैव जिराफ, ठीक है ना, तो जिराफ, जिराफ कहीं ना कहीं बात करते हैं, उसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिराफ मुझे बात करता है कि अगेन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत
बड़ा टारगेट हमेशा सेट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, मतलब बड़ी चीजों पर इस पर्सन की नजर होती है, काफी ऊंचा सोचते हैं ये, ऑल्सो ऊंचा सोचते भी हैं और उसको अचीव करने की दम भी रखते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो चीज आपके अंदर देखता है कि आप उसको ऐसा सपोर्ट कर सकते हो कि ये कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ओके, ये मुझे कहीं ना कहीं एक मुझे एक लेटर नजर आ रहा है ये, ठीक है, एक लेटर है ये, तो इस पे लिखा है इस पे लिखा है लव, ठीक है। सो यहाँ पर ये लेटर है तो वो कुछ आपको लेटर ऑफर करना चाहते हैं, लव लेटर एंड ऑल, सो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड लास्ट वन वी हैव, यहाँ पर टेडी बियर है, ठीक है, तो ये पर्सन ने आपको टेडी बियर ऑफर करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने कभी पास में आपको टेडी बियर ऑफर किए हो सकते हैं, या इनको बहुत सारे टेडी बियर पसंद हैं, आपको टेडी बियर पसंद है, तो ये मैसेज आ रहे हैं चार्म से। ओके डियर, सो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू गाइज।